सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस जॉब अपडेट। सो आईसीएमआर की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के आ चुकी है। तो ये जो रिक्रूटमेंट है ये वायरोलॉजी पुणे के लिए रिक्रूटमेंट निकली है, और दो पोस्ट के लिए है। टोटल 80 पोस्ट है, और ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए 19,000 पे स्केल रहेगा ग्रुप सी के लिए, 35,000 पे स्केल रहेगा ग्रुप बी के लिए। अब बात करूँ मैं इसके एप्लीकेशन, तो इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं 26 नवंबर से 10 दिसंबर तक इसके एप्लीकेशन चलेंगे, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपकी 16 दिसंबर को रहेगी। अब इसके बाद आपका, अगर मैं वैकेंसी बात करूँ तो टोटल 80 वैकेंसी है, और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट है, तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम के लिए जैसे बायोफार्मेटिक्स, सोशल रेफरेंस, मास कम्युनिकेशन, या फिर कंप्यूटर साइंस, या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, उस हिसाब से यहाँ पे डिग्री मांगी गई है उस स्ट्रीम में। और दूसरी जो ग्रुप सी है उसमें चाहिए आपके लाइक एक डिप्लोमा चाहिए बेसिकली, जिसमें 12th का आपके 55% मार्क्स चाहिए एटलीस्ट, और उसमें एक डिप्लोमा होना चाहिए DMLT में, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी में, या फिर यहाँ पे कह सकते हो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या फिर कह सकते हो आप सेम ही है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, या फिर यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अगर हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एक्स सर्विसमैन के लिए इसकी वैकेंसीज है रिजर्व, इसमें देखो 3 वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। उसके बाद हाउ टू अप्लाई, तो बस इस लिंक पे चले जाना, अप्लाई कर सकते हो आप। और इसकी जो फी रहेगी ये 300 रुपीज़ रहेगी। तो और इसमें फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फी नहीं है, SC ST के लिए भी कोई फी नहीं है। तो या तो यही था इसके बारे में, आई होप यहाँ तक क्लियर हो। अगर कोई इश्यू है तो यू कैन कमेंट।